फिर कुछ दिन के बाद जब आया कहाँ अरे भाई बताओ अजी के रेल फेल हो गई अल्लाह का शुक्र है तो मालूम हुआ कि अल्लाह के बंदा जो फरमाए जैसे उनको ये कहो कि जी हमें हुजूर कैसे पढ़ूं तो जैसे वो बता दे ये नहीं जो मुझे आता है मत को इसीलिए सूफिया का दस्तूर है उलमा का दस्तूर है कि उलमा का कहीं किसी आलिम से सबक कोई बात हासिल करने जाए इन हासिल करने जाए तो वो कहें मैं कुछ पढ़े हो कहीं नहीं जानते हो जी वहाँ जिन्हें कुछ जानता हूँ सब कुछ ना ऐसे ही सूफिया के पास जाओ अरे भाई तू कुछ जानते जी कुछ नहीं जानते आपके पास हाजिर हुआ ये इसमें भी एक नुकता होता है कि वो कुछ ये सोचेंगे ये तो पहले ही कहता है मैं जानना सब मुझे कहे हम कुछ भी नहीं जानता तो भार सुन उनकी बात वो हुआ कि वाकई उनकी जबान से लफ्ज तो गलत निकल रहे थे तदबीर के लिहाज से लेकिन चूंकि वो जबान फना हो चुकी थी याद इलाही में इसलिए उसका गलत पढ़ना भी सही था जो तो अंदर से वो सही पढ़ रहे थे जैसे हजरत बिलाल जैसे कुफार ने कहा कि ये कैसे जाएंगे हैं इसे शी नहीं निकलता यहाँ नहीं निकलती हयाला सला को हयाला से कहते तो देख लो वो तो आपके सामने है हजूर ने मुकर कर दिया दूसरा पास तो सूरज नहीं निकल रहा था तड़प के लोग तो क्या मत तो कायम नहीं हो गई आज हमारे डंगर भी टिटा रहे हैं बच्चे भूखे प्यासे रात नहीं कर हो रही तो फिर उसके बाद जबील सलाम आ गए क्या कहा बात यह अल्लाह ताला फरमाया जब बिलाल अजान पढ़ता था वर्ष आदम फिर उसकी आवाज़ आती थी और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते थे आज बिलाल ने अजान नहीं पढ़ी वही अजान पढ़ेगा तो सूरज निकलेगा वरना सूरज भी नहीं निकलेगा बात क्या थी मुश्किल मुस्तफा में चूर चूर की बात नहीं बात ये जैसे मैंने कह दिया कि आप इसको कह चीज जानना पड़े ये फिर झूठ होगा उसका झूठ नहीं होता है वो मुल्तान में हाफा जमान उल्ला सब रमजान है बॉस बाहर अब से कह रहे नीचे पे और बार हाफा जमान उल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह ये जब थॉपी का बहुत बड़ा मदरसा था वाजिब लाइन के शागिर्द थे तो इनको ख्याल हुआ मार्फत की तरफ अल्लाह के बंदे के पास गए तो उन्होंने पूछा हाँ नहीं तो गुरवेश जानते पढ़ा है हिंदी अच्छा मैं जी आपको हिंदी बनवाया रहने के लिए तो आपने फरमाया अच्छा हमारे भाई को ले जाओ हमारी हवेली में ले गए इससे मैं तुम्हें ताकि जो मेरे मुँह से बात निकली है कि अनपढ़ बने पढ़ा ना बने तब हासिल होता है कुछ हवेली में ले गए अच्छा भाई तेरी ड्यूटी है ये घोड़े ने सारे बच्चे थे घोड़े काले डगर इन घोड़ों की लीद तूने उठानी है और बेड़ा साफ करना समझे बात ये वो हजरत साहब ने तो मियाँ जमीदार साहब ने वैसे एक बात कही थी मियाँ हम लोग कहते पीला को नपता को नहीं मीरा को नपता तो उन्होंने पंजाबी से बात किया उन्होंने कहा जो पीर नहीं रहे तो सौरी से मुरीद भी तो नहीं रहे हैं तीन साल पूरे हो गए एक मुद्दत आप जब घोड़ा पेशाब करे आगे कोई चीज कर दे जमीन पर पेशाब न गिन दे लीद करने लगे कोई घोड़ा तो आगे कोई चीज कर दे बना हुआ था उसने वो लीद उसमें ले जाके मेरे पीर के घोड़े का पेशाब भी जमीन पर ना गिरे और लीद भी ना गिरे और 30 साल उसको उठा के फिर दरिया में फेंक के आते थे जब 30 साल गुजर गए वक्त पूरा हो गया क्योंकि कुल शहीद मरहूम में औकात ही हर चीज अपने औकात पर मरहूम होती है वक्त से पहले होना भी मुहाल है और किस्मत से ज्यादा होना भी मुहाल है तो वक्त गुजर गया एक दिन एक उनका शाकिर का चिल्ला फाजिल था वो गुजरा वहां भी लेके करीब कर हम तो सबको हैरान थी शाकिर तो उस्ताद कहाँ गए उस्ताद कहाँ गए मालूम हो गया हमारा जमना था फिर खड़ा हो गया अच्छी तरह गौर से देख लिया तो पहचान लिया कि वही किसी से पूछा ये हवेली किन के ये फला बुजुर्ग की है ये कौन है उनका दुर्वेश उनके पास चले गए बातें करने कर कहा हजरत को आपकी हवेली में दुर्वेश में हाँ भाई है तो उसको ये आपने लीद और घोड़ों के पेशाब के लगाया हाँ भाई उसको इसलिए खिदमत होती है हमारे हाथ दुर्वेश जो आता है कोई काम करते हैं अजी के हजूर आप इससे कोई काम ले इसे घोड़ों की लीद और पेशाब उठवाने का काम लिया
ये तो इनका समुद्र है हजरत साहब पीर जी। हालांकि वो रोशन जमीर जमीर तो पीर तो ये उनको पता था क्योंकि तखू फिरासत المؤمن فإنه ينظر بنور الله। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह वालों की फिरासत से डरो क्योंकि नूर इलाही से देखते देख वो भी देख सके समुद्र है इनका, लेकिन उनकी खुद ही जो इल्म से पैदा हो जाती है वो भी तो तोड़नी थी है। हजरत राजी गए पीर के पास, कर कर की आवाज आई, क्या हुजूर ये क्या आवाज है? पाक बाबा राजी ये तेरे इल्म का जो दरख्त है उसको तोड़ रहा हूं। नहीं के हुजूर रहे तो मैंने बड़ी मेहनत की है इसमें। हाँ यही तो बात है, जब इल्म होता है तो इसके साथ साथ तकब्बुर का भी एक दर्द पैदा हो जाता है साथ साथ, उसको तोड़ा। बाबू ये काम मेरे उसे नहीं पता नहीं है। अच्छा बुलाओ, तो उनको बुला, अरे भाई तू पढ़ा है कुछ? नहीं भैया। तो कह रहे नहीं, उनका हुजूर ये तो उनके तो बड़े बड़े अदीला वाला माशा के। हाँ भाई तूने तो कहीं झूठ बोला कि नहीं पढ़ा? कहा हुजूर जो इलम मैं पढ़ने आया था वो नहीं मैं पढ़ा, मैं जो पढ़ने आया था मैंने उसका कहा था कि मैं वो नहीं पढ़ा, दिल में मारफत जो है वो हासिल करने आया था वो नहीं पढ़ा। वो पछाड़ उस्ताद ने भी लिया उसको टैकेट ने भी, तो कहीं पढ़ी है बात तो कहा अच्छा आ सीने के लगाया तो तुम्हें वक्त पढ़ा दिया कहा दुनिया पर जा हाँ मैं जमा देता है जमा देता हूँ। हजरत कादरी साहब की बारे में बता रहे हैं अपने बेटे की सैयद अहमद से कादरी ने सात दादा अरशद सैयद की मां आवत जमाल अल्लाह को पकड़ाई। हालांकि मुद्दत हुई इनको वसार पर पाए हुए थे कि हजरत इनकी मां बाप के हाथ में है। तो आज सात दादा अरशद सैयद सबसे छोटे बेटे हैं उनके, वो आजकल अनवार रूम में शेखुल हदीस वो हैं और रातों रात आप पढ़ा दे रहे उनको यकदा करके और अपनी जगह पर उनको बिठाया है। तो वो उनकी जब जगह जो भी जाए उसकी दुआ कबूल होती है, तलबा के जहन में सकावत पैदा होती है आवत जमालुल्लाह की वजह से। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि उन्होंने लिखा अबू मैंने तो ये कहा था जो भी नौकरी ने पढ़ने आया था वो मैंने नहीं पढ़ा। अहलुल्लाह ये कौन लोग हैं जिनको अल्लाह ये मकाम देता है ये मरतबा देता है? ये वो लोग हैं जो नबी पाक के गुलाम हैं, आशिकाने मुस्तफ़ा हैं, मुहिबीने मुस्तफ़ा हैं, मुहिबीने सहाबा किराम हैं। अल्लाह ताला हमें भी ये तौफीक नसीब फरमाए। वाखर दावाना अनिल हमदुल्लाह।